ग्राम पंचायत तिरोड़ी में सरपंच प्रत्याशियों ने की नुक्कड़ सभा, सभी ने बताई अपनी कार्य योजना। ज्ञात हो कि बालाघाट जिले के तिरोड़ी ग्राम पंचायत चुनाव में सभी प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब सभी प्रत्याशी मोहल्ले मोहल्ले जाकर नुक्कड़ सभा का आयोजन कर रहे हैं और जनता को अपनी बातें बता रहे हैं। इस सभा में श्री प्रीतम वारदे, श्री फिरोज खान, आनंद बरमैया ने अपनी महिला प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया एवं महिला प्रत्याशी अन्नपूर्णा पारधी ने जनता के बीच में अपनी बात रखी। श्री आनंद बरमैया ने अपने पिछले कार्यकाल में किए कार्यों को बताया तो प्रीतम वारदे ने भी पिछले कार्यकाल के साथ नवीन कार्यों को बेहतर करने की बात कही। इस प्रकार फिरोज खान ने भी ग्राम के विकास में बेहतर कार्य करने की बात कही। आज मैं किसी की बुराई की बात नहीं कर रहा, सच्चाई बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सरपंच था और मेरे कार्यकाल में मैंने पहले पंचों को महत्व दिया। पंच वार्ड का इसलिए होता है तो उसका काम बनता है कि मेरे गांव में किसका बीपीएल का नाम है, किसको इंदिरा आवास की जरूरत है, किसको राशन की जरूरत है, कौन से मेरे नानी का काम है, कहाँ कचरा पड़ा, कहाँ लाइट पड़ा है, ये पंच का काम है। लेकिन पूरे सरपंच द्वारा इस तरह पकड़ दिया जाता है कि पंच का औचित ही खत्म हो जाता है। इसमें बहुत सारे पंच है जो आज कई लाले काम बोलो, पैसा बोलो, दारू बोलो, जैसा भी करके वो पंच जिसके जाता है और 5 साल के बाद जब दोबारा भर जाते हैं तो वो उस लायक नहीं रहता। पंच का क्या, वो मानने के लायक ही नहीं रहता। अगर पंच की बात करते हैं तो रोड़ी के लायक ही नहीं रहते बच्चे, क्योंकि उसके काम में होते हैं। लोगों को बता के जाते हैं कि भैया मैं नाली तक पड़ा तो मैं ये पड़ा दूंगा, तो हमारे वहाँ टंकी के बोलते हैं, कई दिनों से उस टंकी की सफाई नहीं होती है ना। बहुत सा काम ऐसा है जो सही में सरपंच तो घर होते नहीं है। आज सोसाइटी जाके देखो, यहाँ की लेडीजों को देखो, लेडीजों को जाके देखो, बड़े बड़े 50-50, 100 किलो के बोरों को उठाकर किसी न किसी की मदद करवाती है, किसी को हाथ खड़े कर बोलती है कि भैया वाचन में मेरे छोड़ दो, मेरा रास्ता खराब हो जाएगा। हमने जो कोई ना कोई भाई जाता है तिरोड़ी का, कोई भी वो वहां से रास्ते उठा के लेके आता है मट्टी का पानी, जो भी हमने सामान है। इसलिए यहाँ सब में पहले चीज है कि सोसाइटी होना, ताकि वहां बाहर हमारे जो सोसाइटी वहां जाती है 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर वो यहीं पर हो। इतना बड़ा गाँव में यहाँ पर कुछ नहीं, तो पॉपुलेशन ऐसा से चलेंगे तो 700-800 लोगों का 1 नंबर 2 नंबर वार्ड है। आज किसी के घर में कुछ भी कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर कोई भी भवन नहीं है जहाँ पर बैठकर आदमी कार्यक्रम कर सके। इसलिए यहाँ पर जो मेरी आवश्यकता जो मेरे को दिख रहा है वो मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरे पास हो सकती है गलत। ग्राम की सेवा के लिए, इस ग्राम के विकास के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में है और वे इस ग्राम का विकास करना चाहते हैं। इसके पहले 5 बार सरपंच चुनाव हुए और एक परिवार के 15 साल 17 साल और एक परिवार के 5 और 5 10 साल। यदि ये सरपंच जनता के सरपंच होते तो 52 कड़ी नल जल योजना जो लगभग 10 करोड़ की लागत से यहाँ चल रही है उसका 2 टाइम का पानी लोगों को अवश्य मिलता। अगर ये जनता के सरपंच होते तो शौचालय का निर्माण होता, ये अगर जनता के सरपंच होते तो उनको जो भूमिहीन है उनको जमीनें मिलती, ये क्या बताएंगे। ये तो किसी संस्था के सरपंच है, मतदान 6000 लोग करते हैं। यहाँ पर श्री रेस्ट हाउस था और श्री शर्मा साहब का एक सविनय का बंगला था, एक भी मकान नहीं था। मेरे सरपंच बनने के बाद में ही आप लोगों ने यहाँ पर अपना अपना निवास किया और कुछ घास की जमीन में आए, कुछ आबादी की जमीन में आए। कई बार यहाँ पर ये मंडी वालों ने भी आप लोगों को हटाने का प्रयास किया, पर किंतु आज तक किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, जब आप लोगों ने मकान बनाया तो जो पुरानी एजुकेशन कॉलोनी में लाइट की व्यवस्था थी वो पीछे से थी, मैंने वो लाइट की व्यवस्था को सामने लाके आप लोगों को अच्छी एक करवाई। यहाँ पर जितने भी मकान बने हैं सभी लोगों को मैंने भरपूर सहयोग किया, सभी लोगों के कागज भी बन जाएंगे। पानी आप सबसे आज बात करना चाहती हूँ, जिसपे वो मुद्दा था कि हमारे गांव में जो कचरा पेटियां हैं, मतलब स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें हैं, कचरा पेटियां और नालियां जो हैं उनकी हालत बहुत दयनीय है सब जगह, क्योंकि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बनी है, लेकिन प्रशासन इन पर ध्यान नहीं दे पा रहा।
प्रशासन ने ध्यान नहीं देने के कारण जो नालियां बनी हैं, जो कचरा पेटियां बनी हैं, वो कहीं ना कहीं अपना काम नहीं कर रही हैं। नालियां कुछ ऐसी हैं जो जब से बनी हैं आज तक साफ नहीं हो पाई हैं। तो जिन नालियों से बारिश का पानी बाहर जाना चाहिए, उन्हीं नालियों से बारिश के दिनों में बीमारियां अंदर आएंगी। और कचरा पेटी, जैसे आप गुजरी में रहते हैं, आप सब देख ही सकते हैं कि हमारी कचरा पेटी टूट गई है, जिसमें गाय ऐसे चर रही हैं। गाय जो कचरा खाएंगी, बीमार पड़ेंगी, वो तो अलग, उससे जो बीमारियां फैलेंगी बारिश के दिनों में, उससे हम सब बीमार पड़ेंगे। और बीमार होने के बाद में फिर बालाघाट, नाका, डोंगरी और तुमसर भागेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल में डॉक्टर भी नहीं हैं और सुविधाएं भी नहीं हैं। जो डॉक्टर साहब अभी आए भी हैं, अनिश्चित काल के लिए आए हैं, इनका कह नहीं सकते कि कब तक यहीं पे इनका चार्ज रहेगा। कभी भी इनको नया आदेश मिलेगा और वो यहाँ से चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहाँ जाएंगे? तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि मुझे मौका मिलता है, अगर मैं ये निर्वाचन जीतती हूँ, मुझे मौका मिलता है, तो मैं सचेतना से स्वच्छता और स्वास्थ्य के तरफ ध्यान दूंगी, क्योंकि भरी हुई नालियों से मैं खुद भी परेशान हूँ। और इसके अलावा कोरोना काल में डॉक्टर और यहाँ मेडिकल सुविधाओं के अभाव में मैंने भी अपने पिताजी को खोया है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। दूसरा मेरा मुद्दा है शिक्षा और शिक्षित लोगों के रोजगार को लेकर। हमारे गाँव में हाई स्कूल है और कॉलेज है, जो आसपास के बहुत से गाँवों में नहीं है। तो इस हाई स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या हमारे गांव में कोई रोज़गार है? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी हाँ में इसका जवाब दे सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई रोज़गार नहीं है कि शिक्षित बच्चे उसमें आगे बढ़ें और पैसे कमाएं और अपने घर को सहायता प्रदान करें आर्थिक रूप से। तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं? पढ़े लिखे बच्चे दूसरे गाँव, दूसरे शहर जाते हैं कमाने खाने के लिए। और कमाने खाने के लिए जो एक बार बाहर जाता है, वो वापस लौट के आना नहीं चाहता गांव में, ये हम सब जानते हैं। जैसे मेरे भैया खुद भी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, यहाँ उनके लिए कोई काम नहीं है, इसलिए मेरे और मम्मी को अकेले छोड़ के वो खुद बाहर रह के काम करते हैं। ऐसे सभी के घर में कोई ना कोई होगा जो